हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको टाटा टियागो 2021 का एक डिटेल वॉकराउंड वीडियो देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसके कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं। अगर पुराने टाटा टियागो में अगर आप देखते तो वहां पे कुछ कुछ फीचर्स जो हैं अभी के मुकाबले कुछ चेंज किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पे आज जो टाटा टियागो है ये XZ मॉडल है। यहाँ पे इससे ऊपर जो है XZ प्लस आता है तो वो टॉप मॉडल है। तो सेकेंड टॉप मॉडल जो है उसका डिटेल रिव्यू जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। इसके की बात करें तो की जो है कुछ आपको इस प्रकार से मिलती है। एक आपको रिमोट वाली की मिलती है और एक आपको नॉर्मल की जो है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे फ्रंट की लुक की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन लुक जो है वो आपको मिलती है। इसके इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इंजन जो है यहाँ पे आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन इंजन मिलती है, जिसकी पावर की बात करें तो 86 PS की पावर मिलती है। और इसके टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर के टॉर्क जो है वो आपको मिलने वाली है। फ्रंट की लुक जो है कुछ इस प्रकार से मिलती है। फ्रंट की लुक की बात करें तो टाटा टियागो और टिगोर में सेम लुक जो है वो लगभग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बात करें तो फोग लैंप जो है वो आपको इस मॉडल में प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पे आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प जो है वो आपको दिए जाते हैं। इधर देखें तो इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। बात करें ग्रिल की तो ट्राई एरो डिजाइन में ग्रिल जो है वो आपको मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे एक लंबी सी क्रोम इंसर्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन लुक जो है वो देती है। बीच में टाटा का लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ये लुक जो है वो मिलती है। लोअर बम्पर कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो फ्रंट की लुक जो है काफ़ी ज़बरदस्त और बढ़िया लगती है। अगर साइड की लुक की बात करें तो साइड की लुक जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। यहाँ पे व्हील कैप जो है वो आपको दिया जाता है। व्हील कैप काफ़ी बढ़िया मिलती है। इस व्हील कैप से आपको एलॉय व्हील वाली फीलिंग्स जो है वो आएगी, लेकिन इस मॉडल में आपको एलॉय व्हील जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गोड एयर की टायर जो है वो मिलती है। 175/65 R14 की टायर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे इस मॉडल में। और यहाँ पे ORBM की बात करें तो ORBM आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो है वो मिलती है। जब भी आप कार को लॉक या अनलॉक करते हैं तो इस प्रकार से ORBM जो है वो खुल जाती है। और टर्न इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं ORBM में। तो साइड का लुक कुछ इस प्रकार से मिलता है। अगर आप रियर की लुक की बात करें तो रियर की लुक जो है इस प्रकार से मिलती है। टेल लैंप जो है वो आपको पुरानी ढंग से ही मिलती है। ऊपर अगर आप आते हैं तो स्पॉइलर जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे कॉर्नरिंग जो है वो भी की गई है। मैं थोड़े से प्लस को ऑन कर लेता हूँ तो कॉर्नरिंग यहाँ पे की गई है। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप जो है वो मिलता है। यहाँ पे डिफोगर और रियर वाशर और रियर वाइपर भी आपको दिए जाते हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको मिलने वाली है। बूट स्पेस जो है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। रियर में आपको इस मॉडल में देखें तो यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर जो है वो आपको दो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 242 लीटर की बूट स्पेस जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे बूट लैंप वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हैचबैक के अनुसार से काफ़ी अच्छी बूट स्पेस जो है वो मुझे लगती है। और मैं टाटा टिगोर का एक ओनर भी हूँ तो इसके इंजन की रिस्पॉन्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो चलिए इसके अंदर चलते और वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो मिलती है। यहाँ पे अगर आप एंटीना की बात करें तो नॉर्मल एंटीना जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप टाटा टियागो से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और ऑन रोड प्राइस की भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी चेंज जो अगर आप देखेंगे तो पुरानी जो टाटा टियागो की जो डोर है उसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगी, या फिर टिगोर भी अगर आप खरीदते हैं तो नई जो टिगोर आती है उसमें भी ये चेंज जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे डोर ओपनर जो है अब इस प्रकार से नई डोर ओपनर जो है वो मिलने वाली है। यहाँ की जो समस्या है लॉक वाली वो हटा दी गई है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें जो हैं
यहाँ पे टाटा की तरफ से थोड़ी सी सुधार की गई है, देर आई पर दुरुस्त आई। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये चीज़ डोर ओपनर जो है देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये भी चेंज किया गया है पहले के मुकाबले। और पावर विंडो के कंट्रोल जो है आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल इस मॉडल में आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको हाफ लीटर के बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर भी आपको दिए जाते हैं। हार्मन कार्डन की म्यूजिक सिस्टम मिलती है। यहाँ पे आप देखें तो स्पीकर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो ये चेंज जो है वो काफ़ी बढ़िया मुझे लगे कि यहाँ पर से ही आप डोर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है टाटा की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सीट को आप काफ़ी अच्छे ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं, चारों तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं, और ब्रेक क्लच और एक्सीलेटर के बीच में काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। फुटरेस्ट भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें तो एक छोटा सा स्पेस जो है वो आपको मिलने वाला है। चलिए अंदर बैठ कर देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप सीट की डिज़ाइन देखें तो ट्राई एरो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर भी ये डिज़ाइन जो है वो मिलती है, तो काफ़ी बढ़िया सीट की लुक जो है वो आती है। यहाँ अंदर आप आते हैं तो अंदर आपको स्टेयरिंग में जो है कंट्रोल जो है वो देखने को मिलेंगे, ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल जो कि काफ़ी बढ़िया। स्टेयरिंग की बात करें तो इसको आप टिल्ड एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग जो है वो आपको मिलने वाली है इस कार में। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है। लाइट के कंट्रोल सारे आपको इधर पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर से आप वाइपर के कंट्रोल्स जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको मिलती है, हार्मन कार्डन की यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलती है। और यहाँ पे अब बैजिंग भी इसकी आ रही है तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और यहाँ पे ट्यूटर और स्पीकर मिलाकर काफ़ी अच्छे 4 स्पीकर और 4 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन म्यूजिक आपको आउटपुट मिलती है। यहाँ पर ब्लैक ग्लोसी फिनिश की ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिलती है। 1000 लाइट की स्विच जो है वो यहाँ पर से आपको मिलने वाली है। एसी वेंट्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छे हैं। फ्लो इसकी काफ़ी अच्छी आती है, आपके फेस पे फ्लो आएगी। और यहाँ पे आपको फिजिकल बटन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फोग लैंप की स्विच जो है वो दी गई है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है। एसी की बात करें तो आपको मैनुअल एसी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। आप टॉप मॉडल खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको मिलने वाली है। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर USB की पोर्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिलती है। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की नॉब जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छे ढंग से ये स्मूथली जो है एडजस्ट होती है। तो इन चीज़ों पे टाटा ने काफ़ी अच्छे ढंग से काम की है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है लगने वाली है, और काफ़ी अच्छा ग्रिप भी आपको मिलता है। यहाँ अगर आप सेंट्रल कंसोल में आते हैं तो 2 कप होल्डर यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल होल्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा जो है डैशबोर्ड फ्रंट का वो देखने को मिलेगा, डुअल टोन डैशबोर्ड जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे ग्लोब बॉक्स जो है टाटा टियागो और टिगोर की सेम ग्लोब बॉक्स आपको मिलती है इस प्रकार की। यहाँ पे एसी वेंट्स की बात करें तो एसी वेंट्स कुछ इस प्रकार से मिलती है। यहाँ पे मिलते हैं क्रोम इंसर्ट, यहाँ पे आपको ब्लैक ग्लोसी फिनिश के ट्रीटमेंट जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। वैनिटी मिरर की बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे डे एंड नाइट IRBM जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको मिलता है माइक जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इस सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलिए रियर की सीट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये मॉडल में आपको मिलती है। लेकिन मुझे ये जो डोर वाली चेन जो लगी ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगी, क्योंकि बार बार जो है मेरी टाटा टिगोर में यहाँ पर से उठाने वाली समस्या होती है। ड्राइवर साइड तो नहीं, पर को ड्राइवर साइड या फिर पीछे अगर आप बैठते हैं तो ये समस्या आती है, लेकिन आपको यहाँ से जो लॉक मिल रही है ये काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है ये लगती है।
रियर की डोर की बात करें तो रियर की डोर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको वो चेंजेज जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ट्यूटर स्पीकर और 1 लीटर की बोतल होल्डर मिलती है। यहाँ पे एक क्वाइन स्पेस आप इसे बोल सकते हैं। और ये है आपका पावर विंडो का कंट्रोल। यहाँ पर अगर आप इसके सीट की कुशनिंग की बात करें रियर में, तो काफ़ी अच्छी सीट की कुशनिंग जो है वो आपको मिलने वाली। यहाँ पर भी ट्राई एरो डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगी सीट में। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की आर्मरेस्ट वगैरह जो है इस मॉडल में आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लिविंग रूम में कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर आप आपकी हाइट जो है 5.5 फीट है तो कोई भी समस्या यहाँ पे आपको लिविंग रूम से नहीं होने वाली है। मैं हेडरूम भी दिखा देना चाहता हूँ, तो हेडरूम में भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। सीट की कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, आपको आरामदेह सीट जो है वो मिलने वाली है। साथ में अगर यहाँ पे देखें तो 2 एडल्ट और 1 बच्चा जो है वो आसानी से बैठ सकता है, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मिलती है अगर आप इस कार को ख़रीदते हैं तो। अगर आप इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अगर आप झारखंड से और रामगढ़ से हैं या फिर झारखंड के आप हजारीबाग या फिर धनबाद से हैं तो इस कार की ऑन रोड प्राइस जो है 6,61,000 रुपये है। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट जो है वो भी आपको 15,000 की मिल रही है। 15,000 आप डिस्काउंट करके इस कार को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर केबिन लैम्प की बात करें तो आपको बीच में एक LED केबिन लैम्प जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।